सीएम फ्लाइंग की ओर से लगातार रेवाड़ी में कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को रेवाड़ी शहर के सेक्टर 18 स्थित एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के यहां भी कार्रवाई की गई। वहीं लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज दिखाने के लिए 3 दिन का नोटिस भी जारी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की ओर से अवैध रूप से खनिजों का भंडारण व वितरण किया जा रहा है, जिसमें रोडी डस्ट व बजरी शामिल थे। नियमानुसार खनिज का भंडारण व वितरण खनन व भू विज्ञान विभाग की ओर से लाइसेंस लेने के बाद ही किया जा सकता है। जब बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर से लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो वह लाइसेंस नहीं दिखा सका। लेकिन बड़ा सवाल है कि रेवाड़ी शहर में सैकड़ों की संख्या में इस तरह के अवैध भंडारण व बिक्री केंद्र खुले हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? आखिर सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई क्यों करता है? खनन विभाग व भू विज्ञान विभाग जिनका जिम्मा निगरानी का होता है, वह क्यों सोते रहते हैं? इसका जवाब कौन देगा, यह भी एक बड़ा सवाल है।